गुड न्यूज फिल्म में एक एक्स्ट्रा डब्ल्यू क्यों लगाया गया है और इसके बारे में करण जौहर का क्या कहना है? क्या अक्षय कुमार भी इस अंधविश्वास में जी रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आपको बता दें, द लेट नाइट शो पर अब होगा बड़ा धमाका, क्योंकि महा एपिसोड जीतने वाले इंसान को मिलेगा 1,00,000 रुपए का इनाम। तो देखना ना भूलें हर रात 9 बजे द लेट नाइट शो बाय बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, अपनी पहली ही फिल्म से धूम मचा चुके डायरेक्टर करण जौहर ने बाद में प्रोडक्शन, शो होस्टिंग, एक्टिंग और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में भी अपना हाथ आजमाया। बॉम्बे वेलवेट जैसे इक्का दुक्का प्रोजेक्ट अगर छोड़ दें तो हर प्रोजेक्ट में उन्होंने सफलता पाई। सफलता ऐसी कि उनके बारे में हर कोई जानता है। जो कोई भी बॉलीवुड के बारे में जानता है या जो कोई भी बॉलीवुड के बारे में नहीं जानता है, जो कोई भी फिल्मों के बारे में जानता है या जो कोई भी फिल्मों के बारे में नहीं भी जानता है, लेकिन करण जौहर को सब जानते हैं। करण जौहर जो अपने को री इन्वेंट करते रहते हैं, अपने को करेक्ट करते रहते हैं। शबाना आजमी के एक कॉल के बाद उनको एहसास हुआ कि कुछ कुछ होता है एक पॉलिटिकली करेक्ट मूवी नहीं थी, खास तौर पर महिलाओं के चित्रण को लेकर। उनकी इस स्वीकार्यता की चारों तरफ तारीफ हुई थी, तब जबकि ये स्वीकार करते करते उन्हें दशकों लग गए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए और अपनी इस स्वीकार्यता से केवल वो ही भार मुक्त नहीं हुए बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल बनी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए, बॉलीवुड फॉलो करने वाले हम जैसे आम लोगों के लिए। और इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि आजकल लोग स्टार्स को बहुत फॉलो करते हैं, इसीलिए उनका एक कदम मिसाल बन सकता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और जैसा कि करण जौहर ने कहा कि उन्होंने बड़े मजबूत किरदार लिखे, ऐसे जिनमें इमोशनल डेप्थ होती है। निजी तौर पर देखा जाए तो ए दिल है मुश्किल देखकर काफी हद तक डेप्थ वाली बात फील होती है। तब तो और भी अच्छा लगा जब गुड न्यूज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान करीना कपूर को करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन हाउस की अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर घोषित करते हुए कहा, जल्द ही एक्ट्रेसेस को प्रोडक्शन क्रेडिट दिया जाने लगेगा। तो क्या करण बदल चुके हैं? शायद। अगर इंसान बेहतरी के लिए बदल सकता है तो उसके लिए यू टर्न लेना भी उतना ही आसान है। किरदारों का ये दोहरापन किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसी ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान उन्होंने गुड न्यूज मूवी के टाइटल में एक एक्स्ट्रा डब्ल्यू डालने के लिए राज मेहता और उनके वहम को दोषी ठहरा दिया। अब देखिए, राज मेहता हैं इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, और हम सब जानते हैं कि बात इसकी उल्टी भी होती तो भी वीटो पावर करण जौहर के पास ही होती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर करण जौहर चाहते तो इस एक एक्स्ट्रा डब्ल्यू को आसानी से हटा सकते थे। और बात केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देने की ही नहीं, अपने वादे, अपने स्टैंड से पलट जाने की भी है। कैसे? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये इत्तेफाक नहीं था कि करण जौहर की प्रोड्यूस या डायरेक्ट की हुई पहली 5 फिल्मों के नाम के से शुरू होते थे, क्योंकि करण जौहर को तब लगता था कि के से मूवी का नाम शुरू होने से कृपा बरसेगी, जैसा एकता कपूर को लगता है, जैसा राकेश रोशन को लगता है। ये सिलसिला 2006 तक चला, लेकिन फिर उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई देखी, उसे देखकर बड़े प्रभावित हुए। उसमें कुलभूषण खरबंदा का कैरेक्टर तो याद होगा ही आपको, अरे खुराना जो अपने पंडित बटुक महाराज से कंसल्ट किए बिना कोई काम नहीं करता। बस उधर मूवी में खुराना ने अपने नाम से एक एक्स्ट्रा के हटाया तो इधर करण ने प्रण ले लिया, नो मोर के, नो मोर सुपरस्टिशन। उसके बाद करण की अगली मूवी का नाम था दोस्ताना। टाइमलाइन देख लीजिए, 2006 तक की 6 मूवीज। 1998 में कुछ कुछ होता है, 2001 में कभी खुशी कभी गम, 2003 में कल होना हो, 2005 में काल, 2006 में कभी अलविदा ना कहना। इन सभी फिल्मों के नाम के से शुरू होते हैं, लेकिन फाइनली करण जौहर ने अपनी 6th फिल्म में ये अंधविश्वास तोड़ दिया और के को हटाकर दोस्ताना नाम से अपनी फिल्म को रिलीज किया। तो दोस्तों, ऐसे अंधविश्वास हमारी जिंदगी में भी कई दफा देखने को मिलते हैं, जिन पर लोग आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं, इनफैक्ट इन्हीं को सच मानकर बैठ जाते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है?
हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।